माल रोड बिजनेसमैन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारी कवि खन्ना की अध्यक्षता में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिला। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शहरी विकास मंत्री से मांग की है कि सभी दुकानों को खोले रखने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाए और लोकल बसें 50% क्षमता पर चलाने को मंजूरी दी जाए। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि पर्यटकों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लाने और ई पास की बंदिश को खत्म किया जाए। शिमला माल रोड के व्यापारियों ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल को शहरी विकास मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और आगामी 11 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा जाएगा। उनको हमने अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिनमें मुख्य तौर पर है दुकानों के समय 9 से 2 बजे में, खास करके माल रोड और शिमला के ज्यादातर इलाकों में पब्लिक नहीं होती है। हमने उनसे आग्रह किया कि जो नॉर्मल टाइमिंग्स है 10 से लेकर 8 बजे तक, वो बहाल किए जाएं। बिजनेस के जो आवर्स हैं वो थोड़े बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि शिमला के लिए ये टाइमिंग वैसे भी सूटेबल नहीं है कि सुबह 9 बजे हम लोग दुकान खोलें और 2 बजे तक के लिए जो टाइमिंग है वो बहुत ही अनुचित है, जिसमें कि ना तो कस्टमर बाज़ार में पूरे प्रॉपर ढंग से आ पा रहा है और ना ही हमारा जो रोज़मर्रा का खर्च है वो पूरे हो पा रहे हैं। फिलहाल हमने यही माननीय मुख्यमंत्री जी से जो डिमांड है वो ये रखी है कि नेक्स्ट कैबिनेट में हमारी जो ये टाइमिंग है उसको प्रॉपर रेगुलर कर दिया जाए, जिससे कि लोग जो दूर दराज से आने वाले हैं वो भी अपना समय पर शॉपिंग कर पाएँ। कम आवर्स बिजनेस आवर्स रखने से सर उल्टा दुकानों में देखा गया है कि लोग ज़्यादा रश के रूप में आ जाते हैं। यही समय अगर ज़्यादा होगा तो किसी को भी अपनी ख़रीदारी करने में कोई परेशानी नहीं दिखाई देगी।